जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों का जादू। बहुत समय पहले की बात है, उधमपुर नामक गांव में सुनील अपनी बहन प्रिया के साथ रहा करता था। सुनील के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से सुनील ही अपनी बहन प्रिया की देखभाल किया करता था। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था, लेकिन वे दोनों बहुत ही गरीब थे। सुनील बड़ी मुश्किल से दूसरों के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लिया करता था, उन्हीं से दोनों भाई बहनों का गुजारा चला करता था। सुनील ने अपनी पढ़ाई अपनी बहन की परवरिश करने के लिए छोड़ दी थी, लेकिन उसने अपनी बहन प्रिया को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला रखा था, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और एक अच्छी नौकरी कर पाए, ताकि उसकी एक अच्छे लड़के से शादी हो सके और वो जीवन भर सुखी रहे। सुनील ने अपनी बहन प्रिया के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे, लेकिन उनकी गरीबी ने उनका जीना हराम किया हुआ था। बहुत मेहनत करने के बाद भी सुनील इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि वो दोनों भाई बहन रोज पेट भर खाना खाकर सो सके। सपनों को पूरा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो पाता था। एक दिन जब प्रिया स्कूल से पढ़कर घर आती है, तो वो कुछ देर बाहर खेल रही पड़ोस की दो बच्चियां जिया और सिया के पास खेलने के लिए चली जाती है। खेलते खेलते उसकी नजर उन दोनों के हाथों पर पड़ती है। उन दोनों लड़कियों ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रखी थी। उन रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर प्रिया का भी मन चूड़ियों को पहनने का करने लगता है, इसलिए प्रिया सिया से कहती है, सिया तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और इन चूड़ियों को पहनने की वजह से तुम्हारे हाथों की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ प्रिया, मेरे हाथों की सुंदरता तो इनको पहनने से ही बढ़ेगी ना। आखिर ये चूड़ियाँ कोई मामूली चूड़ियाँ थोड़ी ही ना है। इन सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियों को मेरे पिताजी दूसरे शहर से लेकर आए हैं मेरे और जिया के लिए, और इनकी कीमत भी यहाँ मिलने वाली चूड़ियों से 4 गुना ज्यादा है, इसलिए ये सुंदर तो लगेगी ही। सिया, क्या तुम अपनी चूड़ियों में से कुछ चूड़ियां मुझे दोगी पहनने के लिए? मैं बस थोड़ी देर पहनकर तुम्हें वापस कर दूंगी। इतनी सुंदर चूड़ियों को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि काश मैं भी इनको एक बार पहन पाती। ठीक है प्रिया, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियां दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि ये कहीं टूट ना जाए, क्योंकि अगर ये टूट गई तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेंगी और दोबारा मुझे जल्दी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि मेरे पिताजी अब शहर 1 साल बाद ही जाएंगे। ठीक है सिया, मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी चूड़ियां टूट ना पाए, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें वापस भी लौटा दूंगी। सिया प्रिया को अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियां निकालकर दे देती है। उसके बाद तीनों वापस से खेलने लगती है। तभी अचानक सिया की माँ सिया और जिया दोनों को अंदर बुला लेती है। जल्दबाजी में सिया प्रिया से अपनी चूड़ियां लेना भूल जाती है और घर में चली जाती है। प्रिया को भी याद नहीं रहता कि उसने सिया को चूड़ियां वापस नहीं करी, और वो भी अपने घर वापस आ जाती है और घर का काम करने लगती है। तभी अचानक बर्तन धोते समय प्रिया से सिया की 2 चूड़ियां टूट जाती है। चूड़ियां टूटते ही प्रिया रोने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? सिया ने मुझे अपनी चूड़ियां इसी शर्त पर पहनने के लिए दी थी कि मैं उसकी चूड़ियों का ध्यान रखूंगी और उन्हें टूटने नहीं दूंगी और कुछ देर पहनकर उसे वापस कर दूंगी, लेकिन ये चूड़ियां तो मुझसे टूट गई। अब मैं सिया को चूड़ियां कैसे वापस करूंगी? और अगर मैंने सिया की चूड़ियों से वापस नहीं की तो वो मुझे चोर समझेगी और दोबारा कभी मुझसे बात भी नहीं करेगी। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे सिया को उसकी चूड़ियां वापस करूं। चूड़ियों के टूटने के गम के कारण प्रिया रोने लगती है और ये सोचकर घर से निकल जाती है कि अगर वो घर में ही रही और सिया चूड़ी वापस मांगने आई तो वो उसे चूड़ियां वापस कैसे देगी। घर से निकलने के बाद वो रोते रोते रास्ते पर चल रही होती है। चूड़ियों के टूट जाने के दुख के कारण उसे होश ही नहीं रहता कि कब वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई है। लेकिन जैसे ही वो जंगलों में पहुंचती है, अचानक उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज सुनकर इधर उधर देखती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता।
वो थोड़ा और आगे चलती है तो देखती है कि एक परी को किसी ने बांध रखा था और वो ही बचाने के लिए आवाज लगा रही थी। प्रिया तुरंत जाकर परी को खोलती है और उससे पूछती है, हे परी रानी, आपको यहाँ किसने बांध दिया था और आप अपनी शक्तियों को यूज करके खुद को क्यों नहीं छुड़ा पा रही थी? बेटी, मुझे यहाँ एक जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से बांध दिया था, इसलिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी। लेकिन तुमने मुझे खोलकर मुझे उसके बंधन से आजाद करवाया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटी, तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? परी के पूछने पर प्रिया परी को सारी बात बता देती है कि कैसे उससे उसके दोस्त की दी हुई चूड़ियां टूट गई है और वो खुद इतनी गरीब है कि चूड़ियां खरीद कर उसे वापस नहीं कर सकती और इसी उधेड़ बुन में वो इस घने जंगल में आ गई थी। प्रिया की बात सुनकर परी को उस पर दया आ जाती है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक दर्जन जादुई रंग बिरंगी चूड़ियां प्रिया को दे देती है और कहती है, बेटी, ये जादुई रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। इन चूड़ियों से तुम जितनी चाहो उतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां मांग सकती हो। इन जादुई चूड़ियों से और चूड़ियां मांगकर तुम अपने दोस्त की टूटी हुई चूड़ियां वापस कर देना और अपनी एक चूड़ियों की दुकान खोल लेना और उससे तुम्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगेगी, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई परी से जादुई रंग बिरंगी चूड़ियां लेकर प्रिया वापस अपने घर आ जाती है और उन जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों से रंग बिरंगी चूड़ियां मांगकर अपने दोस्त सिया को उसकी दी हुई चूड़ियां वापस कर देती है और उसके बाद उन्हीं चूड़ियों से वो रोज ढेर सारी चूड़ियां मांगकर बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में दोनों भाई बहनों की गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो दोनों गाँव के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं। जादुई चूड़ियों की मदद से दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। एक गांव में विमला नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों सुमन और काजल के साथ रहा करती थी। विमला का पति सुरेश एक नंबर का कामचोर और नशेड़ी किस्म का इंसान था। वो हमेशा नशे की हालत में इधर उधर पड़ा रहता था, लेकिन विमला को तो अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए उसने अपने खेतों में केले के कुछ पेड़ लगा दिए और उन्हीं केलों को बेचकर वो अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। और ऐसी ही कुछ महीने बाद विमला फिर से गर्भवती हो जाती है और ये बात सुनकर सुरेश विमला से कहता है, अरे मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया ना, तो मैं तेरी इन दोनों बेटियों को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक आऊंगा, समझी? सुरेश की ये बात सुनकर विमला बहुत घबरा जाती है, क्योंकि बेटा हो या बेटी, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन समाज की इस दकियानुसी सोच को भला कौन बदल सकता है? और इन्हीं सब की चिंता में विमला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और ऐसी अवस्था में खेतों में काम करना विमला के शरीर को और भी कमजोर बना रहा था। तभी एक दिन ऐसे ही जब विमला खेतों में काम कर रही होती है, उसी समय अचानक से विमला के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उस समय किसी की मदद ना मिलने की वजह से विमला वहीं पर एक बेटी को जन्म देकर अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद सुमन और काजल अपनी नवजात बहन अनन्या को अपनी गोद में उठाए जोर जोर से रोने लगती है। और वहीं सुरेश विमला के जाने के एक दिन बाद ही कौशल्या नाम की एक औरत से दूसरी शादी करके घर ले आता है और कौशल्या घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो तुम दोनों यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगी। इसलिए ये टोकरियाँ उठाओ और जो तुम्हारी माँ ने केले के पेड़ लगाए हैं उसमें से केले तोड़कर बाजार में बेच कर आओ और जितने भी पैसे मिलेंगे चुपचाप लाकर मुझे दे देना। और एक बात और, अपनी इस नवजात बहन को भी अपने साथ ले जाओ, वरना दिन भर रो रो कर मेरा सर खा जाएगी।
इतना सुनकर काजल और सुमन सर पर केले की टोकरी और अपने हाथ में अपनी नवजात बहन अनन्या को लेकर बाजार में केले बेचने जाती है कि उसी समय अनन्या जोर जोर से रोने लगती है कि तभी सुमन कहती है, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? दीदी, मुझे लगता है कि हमारी नन्ही सी बहन को भूख लगी है, क्योंकि हमारी सौतेली माँ ने तो कल से ही हमारी बहन को दूध नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी बहन के लिए दूध खरीद सके। तुम चिंता मत करो काजल, अभी हम ये केले बेचकर अनन्या के लिए दूध खरीद लेंगे। इतना कहकर वो दोनों बहनें बाजार में केले बेचने चली जाती है और पेड़ के ताजे और सुंदर केलों को देखकर उनके सारे केले बिक जाते हैं, जिसके बाद सुमन उन्हीं पैसों में से 20 रुपए का दूध खरीदकर अपनी छोटी बहन अनन्या को पिला देती है, जिसके बाद अनन्या चुप हो जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। और जब थोड़ी देर बाद वो दोनों बहनें घर पहुंचती है तो कौशल्या कहती है, आ गई तुम दोनों, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी थी? सारे केले बिक गए ना? जी माँ, सारे केले बिक गए। तो वहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? ला मेरे सारे पैसे। इतना कहकर कौशल्या सुमन से पैसे लेकर गिनने लगती है, लेकिन उसमें से 20 रुपए कम होने की बात सुनकर कौशल्या गुस्से में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे खर्च करने की? माँ, हमारी बहन को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए हमने बस उसके लिए थोड़ा सा दूध खरीदा था। काजल की ये बात सुनकर कौशल्या का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो काजल को एक थप्पड़ मार देती है। उसी समय सुमन रोते हुए कहती है, माँ, आप हम लोगों को भले ही खाना मत दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी इस नवजात बहन को तो दूध दे दीजिए, ये भी बहुत छोटी है माँ। अरे, तुम्हारी इस नवजात बहन का क्या मैंने ठेका ले रखा है? और आज इसके चक्कर में मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, और अगर ये यहाँ रही ना तो ना जाने मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए आज मैं इसको इसके असली ठिकाने पर पहुँचा ही देती हूँ। इतना कहकर कौशल्या सुमन के हाथ से अनन्या को छीन कर और उन दोनों बहनों को कमरे में बंद करके अनन्या को कूड़ेदान के डब्बे के पास छोड़कर आ जाती है और कमरे में बंद दोनों बहनें अपनी नवजात बहन के लिए जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय कौशल्या कमरे का गेट खोलकर उनसे कहती है, अब ये रोना धोना बंद करो तुम दोनों और चुपचाप घर के काम में लग जाओ, वरना तुम दोनों को भी तुम्हारी बहन के पास ही छोड़ाऊंगी। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर दोनों बहनें डर जाती है और चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। और जब शाम को सुरेश नशे की हालत में घर आता है तो सुमन और काजल उसे सारी बात बता देती हैं, लेकिन सुरेश उनका पक्ष लेने की बजाय उल्टा उन्हीं से कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छा किया कौशल्या ने, वरना तेरी माँ ने तो तुम दोनों को मेरी छाती पर बोझ बनाकर छोड़ दिया था। अरे तुम दोनों को भी मैं बचपन में कहीं छोड़ आता तो कितना अच्छा होता। अरे नहीं नहीं, अगर आप इन्हें छोड़ आते तो हमारे लिए काम कौन करता? और तुम दोनों यहाँ मेरे पति से मेरी ही चुगली कर रही हो? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर कौशल्या उन्हें जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, बहुत पढ़ निकल आई है ना तुम दोनों के, जब आज रात तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा ना तब पता चलेगा। इतना कहकर कौशल्या दोनों बहनों को खाना नहीं देती है और दोनों बहनें रोते हुए पूरी रात अपनी बहन अनन्या को याद करती रहती है। उसी समय आधी रात में ही उस कूड़ेदान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक जाती है और उसमें से एक सुंदर और मॉडल लड़की बाहर निकलती है, जिसका नाम सौम्या था और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम किया करती थी। और वो उस दिन उस गांव में अपने काम के सिलसिले से आई हुई थी, लेकिन वापस जाते समय जब उसकी नज़र कूड़ेदान के पास पड़ी उस नवजात बच्ची पर पड़ती है तो वो अपनी कार से बाहर निकलकर उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये इतनी छोटी सी बच्ची किसकी है और इसे यहाँ डस्टबिन के पास किसने छोड़ दिया? लगता है इस गांव में अभी भी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते हैं, तभी तो किसी ने अपने इस नवजात बच्ची को इस कूड़े के पास छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी
और इसे एक अच्छा भविष्य दूंगी। इतना कहकर सौम्या अनन्या को अपने साथ लेकर शहर चली जाती है और शहर में अनन्या का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। और समय के साथ साथ सौम्या को भी अनन्या के साथ रहना अच्छा लगने लगता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है और वो दोनों बहनें भी बड़ी हो जाती है। लेकिन उनकी जिंदगी तब भी वैसी की वैसी ही रहती है क्योंकि कौशल्या उन पर अभी भी उतना ही अत्याचार करती है जितना वो बचपन में किया करती थी। ना ही उन्हें ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने के लिए दूसरे कपड़े। लेकिन आज भी वो दोनों बहनें अपनी बहन अनन्या को याद करती रहती है। दीदी, अगर आज हमारी बहन अनन्या भी यहाँ होती तो वो भी कितनी बड़ी हो चुकी होती ना। अच्छा हुआ काजल जो वो हमारे साथ आज यहाँ नहीं है, वरना उसकी भी जिंदगी हमारी जैसी ही दुखों से भरी होती। लेकिन दीदी, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बहन जिंदा भी है कि मर गई। और वहीं अनन्या को भी अक्सर अपने सपने में अपनी दोनों बहनों की आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए वो हमेशा सौम्या से कहती है, माँ मुझे अक्सर ऐसे सपने क्यों आते हैं जैसे मेरी कोई बड़ी बहन है और वो मुझे पुकार रही है। बेटा, शायद इस दुनिया में तुम्हारी कोई बहन हो और वो तुम्हें हमेशा याद करती हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। और इस तरह कहीं ना कहीं अनन्या के दिल को भी अपनी बहनों का इंतजार था। ऐसे ही एक दिन जब काजल केले के पेड़ से केले तोड़ रही होती है, उसी समय उसके कपड़े पेड़ में फंस कर फट जाते हैं और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार कैसे जा पाऊंगी। काजल, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी, क्योंकि ना तो माँ मुझे नए कपड़े दिलवाएंगी और ना ही मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे वहाँ पर गई तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर काजल सुमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है कि उसी समय उस केले के पेड़ से एक आवाज आती है, चिंता मत करो सुमन और काजल, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक बच्चे की तरह मुझे यहाँ लगाकर मेरी सेवा की थी, तो उनके बच्चों के प्रति मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। तो तुम लोग मेरी इन जादुई केले के पत्तों से अपने लिए किसी भी तरह की ड्रेस बना सकते हो और ये कभी भी खराब नहीं होंगे। क्या जादुई केले के पत्ते, इसका मतलब तुम एक जादुई केले के पेड़ हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को नहीं पता थी, इसलिए शायद उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तुम लोगों की मदद करने का, इसलिए तुम मेरे ये जादुई केले के पत्तों को ले जाकर अपने लिए किसी भी तरह की ड्रेस बना लो। इतना सुनकर सुमन और काजल जादुई केले के पत्ते को ले जाकर अपने लिए सुंदर सा गाउन बना लेते हैं और उसी को पहनकर वो बाजार में केले बेचने जाते हैं। और उसी दिन सौम्या भी नए डिजाइन के चक्कर में फिर से उस गांव में आती है और जब उसकी नज़र सुमन और काजल के केले के पत्तों से बने गाउन पर जाती है तो वो उनके पास जाकर उनसे कहती है, अरे वाह, केले के पत्ते का गाउन, ये तो एकदम यूनिक डिजाइन है, क्या ये गाउन तुम लोगों ने खुद बनाया है? जी मैम, वो हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हमने इन केले के पत्तों से ही गाउन बनाकर पहन लिया। सच में तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, क्या तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, तुम लोग मेरे साथ चलो। इतना कहकर सौम्या काजल और सुमन को अपने साथ शहर ले जाती है और उन्हें भी अपनी ही कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दिलवा देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। और जब सौम्या उन्हें अपने घर खाने पर ले जाती है तो बातों ही बातों में अनन्या उन्हें अपने सपने के बारे में बता देती है। उसी समय वो दोनों कहती है, क्या तुम्हारा नाम अनन्या है और तुम सौम्या मैम को किसी गांव से मिली थी? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि हम ही तुम्हारी वो अभागन बहनें हैं जिनकी आवाज़ तुम अपने सपनों में सुनती हो। क्या आप लोग ही मेरी बहन हो? इतना कहकर वो तीनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। और वहीं उन दोनों के जाने के बाद कौशल्या और सुरेश पूरी तरह से रोड पर आ जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। और इस तरह उन लोगों को उनके किए की सजा मिल जाती है और उन तीनों बहनों को उनका इंसाफ।